जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हल्दी के डिब्बे में आज ही चुपके से रख देना ये छोटी सी चीज, माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसाने लगेंगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगे कि आप दोनों हाथों से संभाल नहीं पाएंगे। आपके घर में 7 पुश्तों तक होगी धन की वर्षा। आपके घर में कभी भी पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपकी किसी भी प्रकार से धन से जुड़ी समस्या है आपके घर में, तो हल्दी के डिब्बे की वजह से आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे, तो आपको बता दो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में गुरुजी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन मेरे घर में धन संबंधित परेशानियां बनी ही रहती है, तो कोई एक साधारण सा छोटा सा उपाय ऐसा बताइए जो सिर्फ एक ही उपाय को करने से घर में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी ना आए। गुरुजी ने उस व्यक्ति को रसोई घर से संबंधित एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है, जो सिर्फ एक ही उपाय को करने से घर में धन संबंधित कभी भी परेशानियां नहीं आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उसी उपाय के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाली हूं। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि कितना गुणकारी उपाय है और आपके घर में धन संपदा सोने की तरह बरसेगा। जिस प्रकार से हल्दी का रंग सोने की तरह होता है, ठीक उसी प्रकार से धन संपदा सोना चांदी आपके घर में बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। दोस्तों, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हल्दी के बिना अगर खाना भी बना दिया जाए तो एक तो उसमें स्वाद नहीं होता है, दूसरा ये शुभ नहीं माना जाता है। हर शुभ मंगल कार्यों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए या खांसी हो जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति को दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है। विवाह के समय भी दुल्हा दुल्हन दोनों को हल्दी जरूर लगाई जाती है, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, तो दुल्हा दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी से माता लक्ष्मी को बहुत ही जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। हल्दी का उपयोग अगर आप सही तरीके से करते हैं, और खासकर शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को कर लेते हैं, हल्दी से जुड़े उपाय को, तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी का वार होता है शुक्रवार का वार, और माता लक्ष्मी के वार के दिन अगर आप हल्दी का उपाय करते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत लिख दे, जय माँ लक्ष्मी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कई परेशानियों को दूर करने का उपाय भी हल्दी ही होता है। हल्दी जो पीली वाली गांठ होती है, बृहस्पति देव से संबंध रखती है। कैसी भी परेशानी क्यों न हो, वो तुरंत दूर हो जाएगी। चाहे वो विवाह संबंधित परेशानी हो, संतान संबंधित परेशानी हो, नौकरी संबंधित परेशानी हो, या धन संबंधित परेशानी हो, हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी अगर आप हल्दी का सही तरीके से प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज ही आप अपने घर के हल्दी के डिब्बे में चुपके से एक छोटी सी चीज डाल दीजिए, माँ लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इन उपायों को। देखिए, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी में आपकी बाधाएं आ रही है, और आप रोज अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके नहाते हैं, तो आपका विवाह का योग बनेगा और शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। कैसी भी समस्या क्यों न हो, वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपको एक चुटकी हल्दी लगातार 95 दिनों तक 95 डेज तक एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके स्नान करना है, और आपको अपने सर के नीचे, तकिए के नीचे पीले कपड़े में या किसी कागज में हल्दी को बंद करके रख लेना है। दोस्तों, हल्दी में थोड़ा सा आप देसी गाय का घी मिला करके इस हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बना ले,
ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी की बुरी नजर आपके घर के ऊपर पड़ेगी। अगर आपके करियर में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो जल्द ही आपके करियर में आपको सफलता मिलेगा और आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी हल्दी आप चढ़ा करके उस हल्दी में से थोड़ा सा उठा करके अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने कलाई पर थोड़ा सा टीका लगा लेते हैं उस हल्दी में से, तो आपके कार्य बहुत ही जल्द बनने लगते हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना आ रही हो, बाधाएं क्यों ना आ रही हो, वो बाधाएं दूर हो जाएगी और आपके कार्य में आपको सफलता मिलना तय है। यदि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोष बना हुआ है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप अपने घर के पूजा घर में एक चुटकी हल्दी पीले कपड़े में बांध करके रखें। आप चाहे तो हल्दी का गांठ भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर में जो हल्दी आप रखते हैं जिस डब्बे में, उस डब्बे में एक रुपए का आप सिक्का जरूर रखें और इस सिक्के को बिना किसी को बताए हुए चुपके से आपको रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और सदैव ही आपके घर में विराजमान होती है और आपके घर में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है। आपने सुना भी होगा दोस्तों कि धन लक्ष्मी यानी कि जो माँ लक्ष्मी होती है वो किसी के घर में भी टिकती नहीं है, उनका स्थिर वास नहीं होता है। उसके लिए आपको एक रुपए का सिक्का घर के हल्दी वाले डिब्बे में जरूर डालकर रखना चाहिए। एक और ऐसी चीज है जो आप अपने घर के हल्दी के डिब्बे में छुपा करके रख सकते हैं। आपको जो चीज डालनी है जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी और आपके घर में बहुत सारा धन आएगा। धन आने के चारों दिशाओं से रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाएगा। आपको उसके लिए क्या रखना है, आपके घर के जो हल्दी का डिब्बा है उस डिब्बे में आपको एक लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च आपको डाल करके रखना है। आप चाहें तो 5 या 11 भी रख सकते हैं अगर बड़ा डब्बा है तो, छोटा डब्बा है तो आप सिंगल एक लाल मिर्च भी रख सकते हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय में यानी संध्या के समय में आपको करना है। चुपके से बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए हुए एक साबुत लाल मिर्च हल्दी के डिब्बे में आपको रख देना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा रुकेगा टिकेगा भी, धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब जो आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, हल्दी के डिब्बे में आपको क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आपको 2 दाने मिश्री के हल्दी के डिब्बे में डाल देने हैं। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा ही खुशहाली का माहौल रहेगा। आपके घर से माता लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाएंगी, आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहेगी। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग माता लक्ष्मी के लिए ही किया जाता है। अब आपको एक वास्तु टिप्स बता देती हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है। वास्तु टिप्स से आपको कभी भी अपने घर का जो हल्दी का डिब्बा है इसको आधा से ज्यादा भर के रखना है, कभी भी खाली नहीं होने देना है। इससे धन में बरकत होगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आप हल्दी के डिब्बे में 2-3 दाने धनिया के डाल दें। इससे आपके घर की जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो दूर हो जाएगी। आप चाहे तो हल्दी के डिब्बे में काली मिर्च के भी 2-4 दाने डाल सकते हैं। काली मिर्च से भी आपके घर की लड़ाइयाँ दूर होती हैं और आपके घर में हमेशा ही खुशनुमा माहौल बना रहेगा, हमेशा ही आपस में प्यार बना रहेगा अगर आप हल्दी के डिब्बे में काली मिर्च के भी 2-4 दाने डाल देते हैं तो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस उपाय से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।